अच्छा, देन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला टॉपिक शुरू करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में से। इसमें से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और बाद में हम वन बाय वन डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिजीज़ को भी स्टडी करेंगे। सही है। तो पहला जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक की डेफिनेशन पूछी जाती है। अच्छा, अब एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है? तो इट इज़ द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़ और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। मतलब कि एक डिजीज़ है, फॉर एग्जाम्पल डायरिया है, और एक एरिया में हमें पता है कि डायरिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू एनी एजेंट, बैक्टीरियल एजेंट है, कोई वायरल एजेंट है, उस एरिया में डायरिया है, प्रेजेंट है, लेकिन उसके जो केसेज हैं वो एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी में है, एक कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी में है, उसके केसेज अनयूजली इंक्रीज नहीं कर रहे। ये नहीं हो रहा कि एकदम से आउटबर्स्ट हो रही है किसी डिजीज़ की, ऐसा नहीं है, एक कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ केसेज हैं हमें नज़र आ रहे हैं, और वो डिजीज़ उस एरिया की लाइक स्पेसिफिक है, लाइक वहाँ पाई जाती है, पता है हमें, कोई न्यू डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही किसी एरिया में। दैट विल बी कॉल्ड एज एंडेमिक। इट रेफर्स टू द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप विदाउट इंपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड, के बाहर से कोई नई डिजीज नहीं है, और जो डिजीज ऑलरेडी है उसके कॉन्स्टेंट नंबर है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है। जबकि एपिडेमिक में यही डिफरेंस है कि द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, या तो अनयूजुअल अकरेंस है कि वो वहां पर नहीं थी बट आ गई है, या फिर अनयूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी है किसी डिजीज की। तो हम यहाँ दो चीज़ें करते हैं एपिडेमिक में, दैट अनयूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजीज इन अ गिवन पॉपुलेशन और अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन दैट इज नॉट प्रेवलेंट इन दैट एरिया बिफोर, ऑलरेडी प्रेवलेंट नहीं थी बट वहाँ पे उसका एक केस आइडेंटिफाई हो गया एट द सेम टाइम इन द सेम प्लेस, ठीक है, उससे हम कहेंगे कि वो एपिडेमिक बन गई है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड इफ डिजीज इज नॉट प्रेवलेंट, देन अगर डिजीज प्रेवलेंट है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा केसेज आने लगे हैं तो वो एपिडेमिक होगी, या फिर इफ़ द डिजीज इज नॉट प्रेवलेंट इन दैट एरिया देन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बट कन्फर्म्ड केस ऑफ द डिजीज एट द सेम टाइम एंड प्लेस तो भी एपिडेमिक ही। तो दो चीज़ें, या तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही डिजीज उस केसेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं मोर देन इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या फिर इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन दैट एरिया देन अ सिंगल कन्फर्म्ड केस ऑफ द डिजीज विल बी कॉल्ड एज एपिडेमिक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉलरा एपिडेमिक, ठीक है, एकदम सडन आउटबर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा बच्चों को एकदम से कॉलरा होने लगे तो उसको हम एपिडेमिक कंसिडर करेंगे। अब पैंडेमिक क्या है कि एन एपिडेमिक यूजली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड अकरिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड अकरिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया तो हम पैंडेमिक कहेंगे, लाइक अ सेक्शन ऑफ अ नेशन, द एंटायर नेशन और अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जैसे हमने अब कोरोना वायरस पढ़ा था तो वो एक बहुत बड़े जियोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा था, दैट वुड बी अ पैंडेमिक, एक एपिडेमिक है कि सडन इंक्रीज हो रहा नंबर ऑफ केसेस में लेकिन ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया, तो उसको हम पैंडेमिक कहेंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ये कर लें हमने। देन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें आ जाते हैं एंथ्रोपोजोनोसिस, दैट द इन्फेक्शियस इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम वर्टिब्री, एंथ्रो वर्टिब्री टू मैन, जू का वर्ड हम मैन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कि इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिब्री एनिमल्स टू मैन आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजोनोसिस, ठीक है। इसमें लाइक रेबीज जो डॉग से ट्रांसमिट होता है, प्लैग रैट से होता है, हाइड्रेटेड डिजीज जो शीप से होती है, एंथ्रेक्स है, अगेन बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजोनोसिस क्या है कि इन्फेक्शंस दैट आर स्प्रेड और दैट आर ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम वर्टिब्री एनिमल्स दैट आर एंथ्रोपोजोनोसिस। जू एंथ्रोपोजोनोसिस क्या है कि इन्फेक्शन विच आर स्प्रेड फ्रॉम मैन टू वर्टिब्री एनिमल्स, जैसे हम ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं कि कैटल में स्प्रेड हो जाता है, तो दैट इज जू एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है। जू का वर्ड हम यहाँ पर मैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एपिजोटिक डिजीज अगेन, एपी का वर्ड हम एपिडेमिकल यूज़ करते हैं कि एक सडन आउटब्रेक होगी एक डिजीज़ की इन एनिमल पॉपुलेशन, ऑफन विद द इम्प्लीकेशन दैट इट मे ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल प्लैग है वो चूहों में बहुत ज़्यादा एकदम से उसकी एपिडेमिक होगी, तो इट इज इट कैरीज विद इट एन इम्प्लीकेशन दैट इट कैन गेट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल, कि एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन विद द इम्प्लीकेशन दैट इट मे अफेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज एपिजोटिक। एंड एनजोटिक यही है कि एन एंडेमिक अकरिंग इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में एक डिजीज है जो कर होती है लेकिन उसके कोई अनयूजुअली हाई केसेस नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स है, रेबीज है, ब्रुसेलोसिस है, बोवाइन टीबी है, एंथ्रेक्स, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, बोवाइन टीबी, एंडेमिक टाइफस, टिक टाइफस, ठीक है, ये हो गया। देन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी केस एंड इंडेक्स केस, किसी भी डिजीज का जो पहला केस यू कैन से अकर होता है, ठीक है, पहला केस आया है, ठीक है, that will be called as primary case. It refers to the first case of communicable disease introduced into the population unit being studied. ठीक है, for example एक बाहर से कोई बंदा आया है कंट्री में और वो उसने एक बंदे को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो that will be the, जो पहला बंदा इन्फेक्ट हुआ that will be the primary case. The first case of the communicable disease introduced into the population unit being studied. The first case of communicable disease introduced into the population unit being studied. That will be the
प्राइमरी केस, अब इसके कंट्रास्ट में इंडेक्स केस होता है, तो पहला केस जो आइडेंटिफाई हुआ है बाय एन इन्वेस्टिगेटर से हम कहेंगे इंडेक्स केस, वो दैट माइट नॉट बी द प्राइमरी केस बट दैट विल बी द इंडेक्स केस। द फर्स्ट केस टू कम टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इट्स नॉट ऑलवेज अ प्राइमरी केस, दैट विल बी द इंडेक्स केस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरियर, कैरियर क्या है कि इट इज़ एन इन्फेक्टेड पर्सन और एन एनिमल दैट हार्बर्स एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डिसर्नेबल क्लिनिकल डिजीज, मतलब हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम उससे उसको सस्पेक्ट नहीं कर रहे कि इससे डिजीज होगी, लेकिन हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ एन डिसर्नेबल क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स, ठीक है, एन इन्फेक्शियस एनिमल और ह्यूमन, सिंपल हम ये कह सकते हैं कैरियर इज इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बर्स एन इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसर्नेबल क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व्स एज अ पोटेंशियल फॉर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स। फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कैरियर्स की, जो क्लासिफिकेशन होती है कैरियर्स उसमें बाई टाइप यही है कि इंक्यूबेटरी है, कन्वालेसेंट है और हेल्दी है, ये टाइप वाइज है। इंक्यूबेटरी वो कैरियर है जो कि ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट एजेंट उसको स्प्रेड करे, उसको ट्रांसमिट करे, उसको हम इंक्यूबेटरी कहेंगे। कन्वालेसेंट वो है जो ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ द डिजीज ट्रांसमिट करे इंफेक्शियस एजेंट को, वो कन्वालेसेंट कैरियर है। और हेल्दी वो है जो हिमसेल्फ तो हेल्दी है, उसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे, कोई उसको सिम्टम शायद हो भी नहीं रहे, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल ही इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग दैट डिजीज, ठीक है। और ड्यूरेशन वाइज हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी होता है, कि टेम्परेरली स्प्रेड कर रहे होते हैं, टेम्परेरली ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डिजीज एजेंट को, और कुछ क्रोनिकली ही करते रहते हैं डिजीज एजेंट को स्प्रेड। और बाई पोर्टल एग्जिट तो हमें पता ही है कि फीकोल रूट, इंटेस्टाइनल यूरिनरी रूट है, रेस्पिरेटरी रूट है, एरोसोल स्प्रे के जरिए और अदर्स है। इंक्यूबेटरी वही है कि जो शेयर करते हैं इन्फेक्शन एजेंट ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, और उसमें एग्जाम्पल आ जाता है मीजल्स, मम्स, पोलियो, MMP, मीजल, मम्स, पोलियो, पर्टूसिस, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थेरिया, ये सब हैं कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस वो स्प्रेड करना शुरू कर देंगे वायरस को, ठीक है। देन कन्वालेसेंट यही है कि जो रिकवरी फेज के दौरान होते हैं या ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कन्वालेसेंस होते हैं, इसमें रिकवरी फेज दौरान हम टाइफाइड फीवर को देखते हैं, डिजेंट्री और कॉलरा है, ये इंपॉर्टेंट है। हेल्दी कैरियर्स वो विक्टम्स हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के जिनमें कैरियर स्टेट डेवलप होगी विदाउट सफरिंग फ्रॉम ओवर डिजीज, लेकिन वो उसको मतलब कर रहे हैं आगे, लाइक पोलियो है, कोलरा है, मेनजोकल वगैरह वगैरह। टेम्परेरी वो ये जो टेम्परेरी करते हैं, और क्रॉनिक में जो ओवर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं, हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया, टाइफाइड आता है इसमें। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड समझ ली है, अब आगे हम हर एक डिजीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं।